हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बांग्लादेश प्रीमियर लीग के थर्ड मैच की मैच प्रेडिक्शन, जो कि होगा कोमिला विक्टोरियंस और सिलहेट सिक्सर्स के बीच। और ये मुकाबला खेला जाएगा 6 जनवरी की दोपहर 12 बजे भारतीय समय अनुसार। और ये मुकाबला होगा बांग्लादेश के श्री बंगला क्रिकेट स्टेडियम ढाका में। तो आइए जाने से पहले कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों में से कौन सी टीम मैच जीतेगी और किस टीम के मैच जीतने के चांसेस कितने हैं, हम सबसे पहले नज़र डालेंगे दोनों टीमों की बल्लेबाजी के ऊपर और देखेंगे किस टीम की बल्लेबाजी कितनी स्ट्रांग है। तो सबसे पहले अगर मैं कोमिला विक्टोरियंस की बल्लेबाजी पर नजर डालूं, तो उनके पास द ग्रेट इवन लुइस जैसे बल्लेबाज, मोहम्मद सैफुद्दीन, शोएब मलिक, तमीम इकबाल, इमरुल काइस जैसे बल्लेबाज हैं दोस्तों। वहीं अगर मैं सिलहेट सिक्सर्स की बल्लेबाजी पर नजर डालूं, तो उनके पास आंद्रे फ्लेचर, मेहंदी हसन, निकोलस पूरन जैसे बल्लेबाज हैं और नासिर हुसैन जैसे बल्लेबाज हैं दोस्तों। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ, तो मुझे तो बल्लेबाजी में कोमिला विक्टोरियंस का पल्ला भारी लग रहा है। और अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ, तो मैं 60 दूंगा कोमिला विक्टोरियंस की बल्लेबाजी को और 40 दूंगा सिलेट सिक्सर्स की बल्लेबाजी को। अब भाई दोनों टीमों की गेंदबाजी पर नजर डालते हैं और देखते हैं किस टीम की गेंदबाजी कितनी स्ट्रांग है। तो सबसे पहले अगर मैं कोमिला विक्टोरियंस की गेंदबाजी पर नजर डालूं, तो उनके पास अबू हैदर, अनमुल हक, मेहंदी हसन, जियाउर रहमान, शाहिद अफरीदी, तिसारा परेरा जैसे गेंदबाज है दोस्तों। वहीं अगर मैं सिलेट सिक्सर्स की गेंदबाजी पर नजर डालूं, तो उनके पास आफीफ हुसैन, तशकीन अहमद, अलमीन हुसैन, फैबियन आलन, मोहम्मद इरफान जैसे गेंदबाज है दोस्तों। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूं, तो भले ही बल्लेबाजी में कोमिला विक्टोरियंस का पल्ला भारी हो, पर गेंदबाजी में मुझे सिलहेट सिक्सर्स का पल्ला भारी लग रहा है। और अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, तो मैं 65 दूंगा सिलहेट सिक्सर्स की गेंदबाजी को और 35 दूंगा कोमिला विक्टोरियंस की गेंदबाजी को। अब भाई इस पर नज़र डालते हैं कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों में से कौन सी टीमें मैच जीतेगी और किस टीम के मैच जीतने के चांसेस कितने हैं। तो मैच होगा बांग्लादेश के श्री बंगला स्टेडियम ढाका में, और मैं बैक करूंगा मैच जीतने के लिए कोमिला विक्टोरियंस को। जी हाँ दोस्तों, मेरे हिसाब से कोमिला विक्टोरियंस ये मैच जीत जाएगी। और अगर मैं चांसेस की बात करूं, तो करीबन 62% चांसेस है कोमिला विक्टोरियंस के मैच जीतने के और करीबन 38% चांसेस है सिलेट सिक्सर्स के मैच जीतने के। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये जो मेरी मैच प्रेडिक्शन की वीडियो है, इसको मैं 100% सही होने की गारंटी नहीं दे सकता, इसको मैं 90-95% सही होने की गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है मैच कोमिला विक्टोरियंस नहीं सिलेट सिक्सर्स जीतेगी, तो आप सिलहेट सिक्सर्स के साथ जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही मैच प्रेडिक्शन की वीडियो आपके लाता रहूँगा, जो इन दी एंड आपका मैच प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगी। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।